हेलो दोस्तों, आज हमारे पास में सैमसंग गुरु FM प्लस आया है जिसमें नेटवर्क की दिक्कत है। मैं इसको ऑन करता हूँ और आपको बता देता हूँ। पहले मॉडल नेम के हिसाब से चलते हैं तो SMB110ED इसका मॉडल नेम है, और वैसे अपन इसको सैमसंग क्या नाम था, अच्छा से नाम था सैमसंग गुरु FM प्लस, ये इसका नाम अपन मंडे 2001 लिखा हुआ है। इसके यदि ऊपर देखते हैं तो क्वेश्चन मार्क बना हुआ आता है। तो ये जो आ रहा है इसमें टावर की दिक्कत है, यहाँ पे टावर नहीं आ रहे हैं। तो टावर की दिक्कत किस प्रकार अपन इसको हल कर सकते हैं वो इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा। तो इस समस्या के लिए भाई मैंने अपने इसको पहले खोल लेते, मैंने इसको खोल लिया है। इसमें जो नेटवर्क का जो हिसाब किताब बैठता है, ये नेटवर्क की आईसी है, ये इसका क्रिस्टल है। तो ध्यान से अपन देखेंगे, ये नेटवर्क एंटीना हो गया। इस नेटवर्क एंटीना से जो नीचे लाइन जा रही है, और यहाँ पे तीन कंपोनेंट आ रहे हैं, 1 2 3, और वो इस लाइन में जा रही है। कनेक्शन यहाँ से यहाँ, यहाँ से भी होते हुए यहाँ भी इस तरफ आता है, तो ये कहीं ना कहीं से ब्रेक हो गया। अब कहाँ से हुआ है अपन डायरेक्ट इसमें सप्लाई किस प्रकार दे सकते हैं वो देखते हैं। ये 1 2 3, ये तीनों कंपोनेंट है, तो तीनों कंपोनेंट को यहाँ से रिमूव कर देना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों को रिमूव कर दिया। और ध्यान से देखेंगे तो जो ये वाला कंपोनेंट था माइनस से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे कोई जम्पर नहीं लगाने की ज़रूरत है। और दो ऊपर से जो इस लाइन में अपन ने तोड़े हैं, वहाँ इन दोनों के बीच में अपन को सप्लाई के लिए जम्पर लगाना पड़ेगा, जो कि रंगे से ही अपन लगा देंगे। रहा ये तीन कंपोनेंट वापस ऊपर आते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड, नीचे वाला थर्ड, फर्स्ट सेकंड दोनों को आपस में जोड़ देना है। तो किस प्रकार अपन काम करते हैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट रंगा लिया, इन दोनों कंपोनेंट को आपस में जोड़ दिया। इस लाइन से अपन ने दो कंपोनेंट मिस, तीन कंपोनेंट मिस किए थे, और दो जगह इनको जंपर देना पड़ेगा। फर्स्ट जंपर इधर लगेगा, सेकंड जंपर इधर लगेगा। यहाँ से देख रहे हैं तो ये दोनों आपस में टूटे हुए हैं। ओके, अब भाइयों हल्की सी हीट इस आईसी को देनी है, और इस क्रिस्टल को इतना आपको हीट देना है ताकि ये यहाँ से हल्का सा मूवमेंट हो जाए, हिल जाए। तब तक के लिए बस इतना ही करना होता है देखने में। और दूसरी बात ये है भाइयों कि ये जो कीपैड का पत्ता है इसको यहाँ से रिमूव कर लेना है। जब अपन इसको गर्म करेंगे तो की पेड़ का पत्ता सिकुड़ जाता है, और की पेड़ में कुछ जो नंबर सिकुड़ गए हैं वो इजीली काम नहीं करते। हॉट गन को ऑन करने के लिए रख देते हैं। इस प्लेट को इस प्रकार रखेंगे जिससे, जैसे ये आईसी को अपन गर्म करें तो अपन को हॉट गन यूँ चलानी है, तो एयर फ्लो बाहर जाएगा, मेन आईसी सीपीयू ख़राब नहीं होगा। रहा
ये वाला क्रिस्टल, इसको भी अपन को यूँ ही हिट देनी है ताकि ये यहाँ से गर्म हो जाए और सीपीयू बचा रहे। एयर फ्लो कम ही रखना है। इसको यदि मैं जूम करता हूँ तो ऐसी पे 3-4 सेकंड तक फिट देनी है बस। इसके बाद में ये जो क्रिस्टल है इसको इतना आप उनको गर्म करना है कि ऐसे मूवमेंट करना है। ये मूवमेंट कर चुका है यहाँ से। एक बार चिमटे से इसको दबा देना है ताकि वो अपनी जगह से हिल जाए और यहाँ से अच्छा सा वो अच्छी पक जाए। दो जंपर लगाई दिए हैं, यहाँ पे एक जंपर लगाई दिया है। समस्या अपना समाधान हो चुका है। कीपैड का पता वापस ऑन कर लेते हैं, लगा लेते हैं। अभी पीछे कीपैड का पता लगा होता तो वो उस जगह से सुखड़ जाता। डैमेज हो गई है, इसको सही कर लेते हैं। अपनी जगह से हट चुकी है। पत्ता अपनी जगह सही रखा, सभी होल आपस में मिलाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस हिसाब से अपना पत्ता बिल्कुल परफेक्ट। इसको इस बोर्ड में पैक किया, माइक को माइक की जगह डाला, माइक को इसके होल में रखना है नहीं तो ये वो अच्छा ये भी लगाना रह गया था भैया। सिम मैंने डाली, फोन को ऑन किया, और ये BSNL कि मेरी सिम है। ध्यान से देखो आप, ये BSNL के इसके फुल टावर आ गए हैं, 5-6 घंटे जो कहते हैं पूरे आ गए हैं और इजीली अब ये फ़ोन लग सकता है और आ जा सकता है। तो जब भी सैमसंग के फ़ोन में नेटवर्क की दिक्कत आए तो इस प्रकार अपन को इस फ़ोन में ऐसे वर्क करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।